नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और आज एक नए मिथ के साथ आपके पास आई हूं। आपने कभी सुना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ खराब होने वाला होता है, रुक जाओ, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत बढ़ो, कुछ देर रुको। ये सब कहां से आया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ इंडियन सुपरस्टिशन नहीं है, ये इजिप्शियन सुपरस्टिशन भी था, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको समझाती हूँ। तो ये मिथ बना कहाँ से? देखिए, जब इंडियन, हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ से ये मिथ बना, तो लोग जब ट्रैवल करते थे तो पूरी पूरी रात, दिन, कई दिनों का लंबा ट्रैवल होता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना होता था फॉर ट्रेडिंग। ऐसे में लोग बैलगाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और डोंकी कार्ट्स। तो जब रात को ट्रैवल करते थे, रोड्स तो होती नहीं थी, तो जंगल से गुजरना पड़ता था, फील्ड से गुजरना पड़ता था। तो ऐसे में क्या होता था कि कई बार बिल्ली जब भाग के जाती थी तो उसके पीछे कोई दूसरा वाइल्ड एनिमल शिकार कर रहा होता था, तो इसलिए भी गाड़ी को रोक देते थे कि दो मिनट रुक के देख लो कि कोई बड़ा दूसरा जानवर तो नहीं आ रहा है इसके पीछे। द अदर रीज़न वॉज कि जब पहले के टाइम में बुलक कार्ट्स के आगे वो लालटेन या कैरोसिन लैम्प या जो भी उनका लाइट का फॉर्म होता था वो जलाते थे, तो जब लाइट आगे जलाएं और अंधेरा हो तो शैडो यूं लंबा नज़र आता है। ऐसे में कैट और कैट फैमिली, कुड बी लेपर्ड, कुड बी टाइगर, ऐसे लगता था कि जैसे वो बड़ी शैडो बनकर आती थी, तो जो जानवर होता था ना वो डर के रुक जाया करता था कि कोई बड़ा जानवर है। ऐसे में जो घोड़ा गाड़ी वाला होता था या बुलक कार्ट वाला होता था वो उतर कर एनिमल को प्यार से सहलाता था, जब वो काम डाउन होता था तो वो आगे बढ़ता था। तो तब से ये बिलीव बना कि अरे यार, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली और समबडी फ्रॉम द कैट फैमिली, तो रुक जाओ। तो ये तब का बिलीफ सिस्टम था। एंड इजिप्शियन सिस्टम में क्या था कि जब लोग जंग पे जाया करते थे, द मेन, तो कैट्स वर डोमेस्टिकेटेड देन, तो कैट्स को ट्रेन करते थे कि रात को आपको घर के बाहर पहरा देना है, कैट्स वर ट्रेन्ड लाइक दैट। तो जब लोग हंटिंग पे जाते थे या आगे लूट पर जाते थे, सोल्जर्स होते थे, और जब वो कैट को देखते थे इस तरह से घूमते हुए, तो समझ जाते थे कि यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, डोमेस्टिकेटेड रहती हैं, और इस घर के लोग जो हैं वो जंग पे गए हुए हैं, तभी कैट को एज अ पहरेदार वो छोड़कर गए हुए हैं। तो वो लोग उस लाइन को क्रॉस नहीं करते थे, दे यूज टू गिव रिस्पेक्ट टू द विमेन एंड द चिल्ड्रन आउट देयर। तो तब से बना कि बिल्ली दिख गई टूवर्ड्स द वेस्ट इन इजिप्ट, कि अगर बिल्ली रास्ता, बिल्ली दिख गई तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। सो दीज वर द लॉजिक्स ऑफ देन, मतलब तब जब बुलक कार्ट होती थी या जब लोग फील्ड्स में जाते थे, सिविलाइज्ड कॉलोनीज नहीं होती थी। आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें कहाँ वैलिड हैं? आज के टाइम पर आप सिविलाइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, सो वी हैव टू लर्न टू गिव रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। किसी भी मिथ के साथ, किसी भी सुपरस्टिशन के साथ किसी भी जानवर को नहीं बांधिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट कीजिए। विद दिस आई विल कम विद न्यू मिथ्स। अगर आपके पास कुछ मिथ्स हैं, प्लीज़ ब्रिंग इट ऑन। हम बहुत एक्साइटेडली आपके कमेंट्स का वेट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उस पर और काम करते हैं। अगर आपके पास भी और लॉजिक्स हैं, प्लीज़ शेयर इट विद अस सो दैट वी कैन शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। सी यू सून। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।